हेलो दोस्तों, सभी दर्शकों को मेरा चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज भाईजैक टूर के एक फेमस प्लेस, फेमस स्पॉट बोल सकते हैं, कैलाश गिरी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। बहुत ज़्यादा बारिश के बीच ये टूर पार्ट आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ कैलाश गिरी से चारों तरफ का व्यू, यहाँ का जो सर्कुलर ट्रेन है उसके बारे में और रोपवे के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। लास्ट तक मेरे साथ रहिए। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत जोर से बारिश हो रहा है। दूर से रोपवे का व्यू मैंने दिखाया और अभी लगभग 11 बजे रोपवे शुरू होता है। डाउट था कि इतना बारिश में क्या रोपवे चलेगा, बिल्कुल चलना शुरू हो गया है। हम लोग टिकट लेने के लिए आ गए थे और टिकट लेके ऊपर का तरफ चल रहे हैं। सीढ़ी में काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है जहाँ रोपवे का स्टार्टिंग पॉइंट है। टिकट के बारे में बोले तो एडल्ट्स के लिए 150 रुपीज़ पर हेड, चाइल्ड के लिए 80 रुपीज़। पर रोपवे का जर्नी बहुत ही अमेजिंग है। सभी टूरिस्ट जो लोग जाते हैं रोपवे में जरूर चढ़ते हैं, सचमुच अच्छा लगता है। रोपवे में जाते जाते भी जो सीनरीज आपको देखने को मिलता है वो भी बहुत अच्छा है। 5 मिनट का जर्नी होता है, 5-6 मिनट में एकदम कैलाशगिरी का टॉप में पहुंच जाते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड के साथ आप लोग एहसास कर सकते हैं कि कितना जोर बारिश हो रहा है। अब रोपवे का जो एंट्री पॉइंट है वहां से नीचे का जो दृश्य है ये थोड़ा सा इस प्रकार है। बहुत जोर बारिश की वजह से ड्रेस का 50% भीग चुका है, फिर भी इसी मौसम में घूमने का मजा भी कुछ और है। देखिए रोपवे चल पड़ा है। एक एक केबिन में 4 से मैक्सिमम 6 जा सकते हैं। रोपवे में जाते जाते दोनों साइड का जो सीनरी है बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोगों को मौका मिल गया बैठने के लिए। जोर बारिश के बीच शीशा का जो ट्रांसपेरेंसी है कम हो चुका है, फिर भी हम लोग शीशा ओपन करके दोनों साइड से कुछ व्यू आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। रोपवे में चलते चलते नीचे का जो रोड है जिसमें गाड़ी चलता है या पैदल चलते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग ऑप्शन भी है, कार में भी आप सीधा चढ़ सकते हैं कैलाशगिरी हिल या पैदल भी चढ़ सकते हैं।
टूर का ये पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। झूला में झूलते झूलते भोले बाबा के पास तक हम पहुंच जाएंगे और इस पहाड़ी से भाईजैक का चारों तरफ का सीनरी हमें देखने को मिलेगा। सभी दर्शक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि भाईजैक टूर का हर एक एपिसोड आपको देखने को मिले। जैसे ही मैं भाईजैक टूर का कोई भी ब्लॉग छोड़ेंगे तो आप लोगों को जरूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ हर एक ब्लॉग के ऊपर दोस्त कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी चैनल में भाईजैक टूर का हर एक अलग अलग पार्ट को छोटा छोटा करके मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। जो लोग घूमने जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए पहले से ही एक जानकारी लेने का एक मौका है इस ब्लॉग के तरफ से, ब्लॉग के द्वारा। प्री प्लांट आप बना सकते हैं। टॉप में पहुंच गया है, बारिश कंटिन्यू चल रहा है। उतरने के बाद थोड़ी देर रुकना पड़ा, इतना बारिश हो रहा था और उस दिन लगभग 1 बजे तक कंटिन्यू बारिश चलता रहा। थोड़ा सा ऊपर जाते ही हम सर्कुलर ट्रेन का स्टेशन में पहुंच जाते हैं जो प्लेटफॉर्म बना रखा है। पानी भर चुका था, यहां देख पा रहे होंगे टिकट काउंटर, ये प्लेटफॉर्म है। यहां भी सर्कुलर ट्रेन में घूमने के लिए टिकट है, एसी नॉन एसी। नॉन एसी के लिए 100 रुपीज पर हेड, एसी के लिए 150 रुपीज। पर उस दिन मौसम ऐसा था कि एसी का जरूरत नहीं था। सर्कुलर ट्रेन से कैलाशगिरी पहाड़ का इनसाइड पूरा पार्क, छोटा छोटा पॉइंट्स बना रखा है, ये देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे स्टॉल बना रखा है, उसमें से खाने पीने का आइटम्स सब कुछ मिलता है। प्लेटफॉर्म में ट्रेन पहुंच चुका है ट्रायल बेस पे, क्योंकि इतना बारिश में पटरी से ट्रेन चल रहा है नहीं चल रहा है ये चेक करने के लिए जस्ट एक बार घूम के आया। ट्रेन का देख पा रहे होंगे कि विंडोज पूरा ग्लास लगा हुआ है ताकि आउटसाइड इनसाइड का व्यू क्लियर नजर आए। बहुत ज़्यादा बारिश होने के वजह से पैसेंजर उस दिन थोड़ा कम ही था। ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूट चुका है, धीरे धीरे आगे जा रहा है। लगभग आधा घंटे का लगता है पूरा चारों तरफ पहाड़ी को चक्कर काट के वापस उसी प्लेटफॉर्म में आपको उतार देंगे। इतना ज़्यादा उस दिन बारिश था, कितना पानी जम गया आप लोग देख पा रहे होंगे।
ये अभी जो देख रहे हैं इन साइड का व्यू है। ट्रेन में जैसे ही प्लेटफॉर्म से हम चलते हैं तो लेफ्ट साइड में पहाड़ी का इन साइड छोटा छोटा पार्क, छोटा छोटा पॉइंट, छोटा छोटा प्लेटफॉर्म जैसे बना रखा है दो चार जगह में, बहुत सुंदर दृश्य है। और आउटसाइड से देखेंगे तो समुंदर, पूरा सिटी बहुत अच्छा दिखता है। दोनों साइड का व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। ट्रेन जब टर्निंग में होता है तो पूरा कंपार्टमेंट इंजन से लेकर पीछे तक आपको ऐसा दिखने को मिलता है। कंटिन्यू बारिश होने का वजह से सूरज नहीं था, हो सकता पिक्चर क्लियरिटी इतना अच्छा ना मिला हो क्योंकि सनराइज नहीं है, धूप नहीं है। अभी थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे कि सिटी का व्यू दिख रहा है, राइट साइड से आपको दिखेगा जब ट्रेन में चलेंगे, कंप्लीट सिटी पहाड़ी के ऊपर से कैलाशगिरी हिल से आपको बहुत अच्छा दिखता है। छोटा छोटा स्टेशन बीच बीच में ऐसा बना रखा है। ये आधा घंटे का जर्नी बहुत मेमोरेबल है। भाईजैक टूर का एक फेमस स्पॉट ये कैलाशगिरी है। हम लोग आर के बीच होटल में रुका हुआ था, एकदम आर के बीच के नियरेस्ट अरविंद स्टे, उनका जो होटल ओनर है, जो मालिक है, उसी बिल्डिंग का टॉप में रहते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। उसके लिए भी स्पेशल ब्लॉग में एक दूंगा इसी चैनल में। उनका खुद का व्हीकल भी है, ड्राइवर के साथ अलग अलग टाइप का व्हीकल है। उन्हीं का व्हीकल से मैंने पूरा टूर को कंप्लीट किया था। ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा मुझे एज ए होटल ओनर। अब सिटी का जो व्यू आप देख पा रहे होंगे, बादल से छाया हुआ आसमान, दूर से पहाड़ी नजर आ रहा है समुंदर के साथ चुम्मा लेते हुए, साथ में ये बड़ा सा सिटी।
सुंदर सा सजा हुआ। ये भी एक स्मार्ट सिटी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट्स लिखिए। कंप्लीट कैलाशगिरी दर्शन करने के लिए लगभग हम लोगों को 2-3 घंटा लग गया। फिर भी कोई अगर पूरा अच्छा से घूमना चाहते हैं तो एक दिन पूरा लग जाएगा। उसका अंदर भी बहुत एरिया है, बच्चों के लिए भी अम्यूजमेंट स्पॉट है। इसका अंदर अंदर व्यू पॉइंट है, देखिए कितना पानी जम गया है। रेलवे पटरी के ऊपर भी कहीं कहीं पानी जमा हुआ था। एक टाइटोनिक व्यू पॉइंट है जो कि कार में जो लोग पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है तो जस्ट जो एंट्री गेट होता है कैलाशगिरी का टॉप में, उसका राइट साइड में आपको टाइटोनिक व्यू पॉइंट मिलेगा। और शिव पार्वती का जो मूर्ति है उसका जस्ट सामने भी एक अलग सा व्यू पॉइंट बना रखा है। सबसे ज्यादा फोटोग्राफी वहीं से करते हैं। यहां बहुत सारे खाने का स्टॉल बना रखा है, अलग अलग टाइप का खाना भी यहाँ आपको मिल जाएगा। दोपहर का लंच भी यहाँ कर सकते हैं। ये वापस प्लेटफॉर्म में पहुंच चुके हैं। पूरा सर्कुलर ट्रेन में कैलाशगिरी हिल का चारों तरफ से घूम के आया है। अब हम जा रहे हैं, एक एंट्री पॉइंट दिख रहा है जो गेट बना हुआ है। शिव पार्वती जी का जो स्टैचू, जो मूर्ति भगवान जी का लगा हुआ है। थोड़ा सा बस 1-1.5 मिनट का पैदल जर्नी है वहीं से। दोनों साइड सुंदर सा सजा हुआ, मेंटेनेंस किया हुआ पार्क। इस स्पॉट के बारे में जितना भी बोले उतना ही कम है। खुद जब तक नहीं देख पाते हैं तब तक आपको दिल नहीं भरेगा दोस्त। अब आ चुके हैं हम शिव पार्वती जी का चरण स्पर्श करने के लिए। बहुत ही अच्छा दृश्य है। सभी इस दृश्य को कैमरा में बंद करने का इरादा लेके आते हैं और सभी इसी कार्यों में व्यस्त है।
दोस्तों अभी तक मेरा चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक स्पॉट आपको ऐसा ही मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। ये जो व्यू पॉइंट है ये जस्ट शिव पार्वती जी का लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड में ये बना हुआ है। ये बहुत ही एक अच्छा व्यू पॉइंट है, सुंदर सा दृश्य, बहुत अच्छा दिख रहा है। पहाड़ में जो बादल छाया हुआ एकदम ढक गया है, सूरज देवता नजर नहीं आ रहा है, फिर भी सीनरी इतना सुंदर है। ये जो ग्लोब देख रहा है ये जो आभा मैसेज देने के लिए जो ऑफिस बना हुआ है उसका है। सर्कुलर ट्रेन जाते हुए आपको नजर आ रहा है, पटरी दिख रहा है। ये ट्रेन कंटिन्यू चलता रहता है, रोपवे बीच में एक घंटा बंद रहता है लंच टाइम में, पर ट्रेन चलता रहता है। ये देखिए उस ग्लोब को हाथ में उठाते हुए कुछ फोटो और साथ में मूर्ति को हाथ में लेते हुए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो।